किसान आंदोलन का 40वां दिन, कड़ाके की सर्दी, दिल्ली की सर्दी के साथ बारिश की मार, सरकार टस से मस नहीं। वहीं मुंबई अमिताभ बच्चन के बंगले पर पहुंचे मोहित शर्मा, पंकज श्रीवास्तव, आरिफ शेख। आप देख रहे हैं BST न्यूज 24। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर मोहित शर्मा से हमारे संवाददाता की खास चर्चा। मुद्दों को किन चीजों के लिए आप आए मुंबई में और क्या है मुंबई से आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग महाराष्ट्र की सरजमी पे आने का मकसद सिर्फ इसलिए है कि तकरीबन 39 दिन के सफर के दौरान हमारे देश के 47 जो देश के किसान हैं वो शहीद हो चुके हैं। क्या देश के किसान याद नेताओं को सिर्फ जब आते हैं, जब वोट का समय होता है? वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने, सांसद बने, पार्लियामेंट तक का सफर तय करा, आज वो लोग इन देश के किसानों को भूल चुके हैं। तो उनको वापस जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आप ये देखिए कि जिस तरीके से तमाम तरीके के सेलिब्रिटी, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे सनी देओल हो, जो देश के किसान के नाम पर राजनीति किया करते हैं, हेमा मालिनी जो गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, सनी देओल जो पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, नेता बन जाते हैं, तो क्या आज उन्हें देश के किसानों का साथ नहीं देना चाहिए? और हम अमिताभ बच्चन जी के घर पे आने का सबसे बड़ा मेन मकसद यही है। हमने शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस को ज्ञापन भी दिया और आज जब हम यहाँ पर आए तो महाराष्ट्र पुलिस के जरिए हमें यहाँ पर लाया भी गया। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी से उन्होंने कहा है अभी हमसे मुलाकात नहीं करी। हमारा सिर्फ उनसे यही प्रश्न है कि 1950 से 1960 ईस्वी में यही सेम कानून अमेरिका और यूरोप के कई देशों में लागू किए गए थे। आज तकरीबन 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वहाँ के किसानों की हालत बस से बदतर है। वहाँ के किसान पूर्ण रूप से अपनी सब्सिडी पर निर्भर हैं। आप एक बात बताइए कि वो चीज़ जो विदेशों में बैन कर दी जाती है, चाहे वो EVM हो, चाहे फिर वो कृषि काला कानून हो, वो भारत देश में क्यों चालू की जाती है? क्या यहाँ के किसानों की या यहाँ के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? देश का किसान मजबूर, लाचार और असहाय होकर आज सड़कों पर बैठा हुआ है। इतनी ठंड में जब देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता अपने घरों को नहीं छोड़ते, उस समय देश का किसान अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर यहाँ आए हुआ है, दिल्ली बॉर्डरों पर आकर बैठा हुआ है। किसान सब जगह का है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक व्यक्ति के पेट भरने का कार्य करता है। क्या है कोई ऐसा देश में व्यक्ति जो देश के किसान का उगाया हुआ अनाज ना खाता हो? तो वो कह सकता है कि मैं किसान को समर्थन नहीं दूंगा। दूसरी बात, अमिताभ बच्चन जी की, हेमा मालिनी की, सनी देओल जी की और तमाम तरीके के लोगों की जो भी राय है, क्या वो देश के किसान को जब वोट लेने के जाते हैं तो वो किसान मानते हैं, और जब किसान सड़कों पर बैठता है, सरकार का विरोध करता है, तो क्या वो इनकी नज़र में खालिस्तानी है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है? क्या है आखिर वो इनकी नज़र में? वो ओपिनियन जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और अगर अमिताभ बच्चन जी अगर कहेंगे किसानों के पक्ष में, विपक्ष में, तो पूरा देश उनकी बात को सुनता है और ये मैसेज जो है वो देश के तमाम लोगों तक जाएगा। तो इसीलिए हम लोग दिल्ली से चलकर महाराष्ट्र तक आए हैं। इसके बाद आप अमिताभ बच्चन जी के यहाँ पर आने के बाद कहाँ जाना है आपको? इसके बाद हम सनी देओल, हेमा मालिनी और तमाम लोगों के घर पर जाएंगे और उनसे यही प्रश्न करेंगे कि देश के किसानों को लेकर जब आप उनके घर तक जाते हैं वोट मांगने के लिए, आपके गृह मंत्री जो घर घर जाकर पर्चे बांटते हैं, आज जब आप लोग नेता बन चुके हैं, अभिनेता से नेता बन चुके हैं, आज आप किसानों को समर्थन क्यों नहीं दे रहे? सनी देओल जी जो पाकिस्तान तक जाकर फिल्म के दौरान आपने देखा, फिल्में भी बनाते हैं किसानों के समर्थन में, पगड़ी भी लगाते हैं, सब काम करते हैं, तो आज देश के किसान को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर क्यों और कब तक इस देश का किसान आखिर बॉर्डरों पर बैठकर मरता रहेगा और कब तक तंग और परेशान होता रहेगा? इसीलिए हम अभी इस दौरान अमिताभ बच्चन जी के बंगलों जलसा के बाहर खड़े हुए हैं। मोहित जी, आप देश के नौजवानों के आइडल हैं जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को? तमाम नौजवानों को सिर्फ एक यही मैसेज कि ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है, ना ये आतंकवादी है, ना टेररिस्ट है, ना खालिस्तानी है। तो आप लोग और घर के हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य में से एक व्यक्ति को तो इन किसान आंदोलन में जाना चाहिए और देश के किसान को समर्थन करना चाहिए। ये देश का किसान है जो लोगों का पेट भरता है। अगर ये किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश में भुखमरी छा जाएगी और ये देश भूख से ग्रस्त हो जाएगा।